जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, हमें कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक कहानी से कि एक जंगल में एक बार आग लगी। आग बहुत तेजी से जंगल में बढ़ रही थी और जितने भी जंगली जानवर थे ये सब जंगल को छोड़ छोड़ के भागे जा रहे थे। इसी दौरान एक हाथी ने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है। उसने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया रानी, आप पेड़ को छोड़कर भाग क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जंगल में आग लग गई है और जंगल में आग बड़ी तेजी से बढ़ रही है और अगर तुम नहीं भागोगी तो तुम यहां पर मर जाओगी। तो यहां पर चिड़िया ने कहा कि मुझे नहीं भागना है। हाथी ने सोचा कि शायद चिड़िया उड़ नहीं पा रही है, तो हाथी ने फिर से चिड़िया से बोला कि अगर तुम उड़ नहीं पा रही हो तो कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल ले चलता हूं। चिड़िया ने फिर कहा कि नहीं, मुझे भागना नहीं है। अब हाथी आश्चर्य में पड़ गया कि चिड़िया भागना क्यों नहीं चाह रही है, जंगल में आग इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या इसको अपनी जान की फिक्र नहीं? यहां पर उसने चिड़िया से कहा कि अच्छा बताओ तुम भागना क्यों नहीं चाह रही? तो चिड़िया ने कहा कि एक्चुअल है ये कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ, मैं बड़ी इसी पेड़ पर हुई, मेरा खाना पीना सब इस पेड़ पर हुआ, मेरे बच्चों का जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ। तो जब इस पेड़ ने मुझे जन्म से लेकर अभी तक पूर्ण आश्रय दिया, तो आज जब इस पेड़ पर संकट आया तो क्या ऐसी स्थिति में मैं इस पेड़ को छोड़कर भाग जाऊं? अरे इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस पेड़ के साथ जल के मर जाऊं। तो इस कहानी का आधार यही था कि हम लोग जहां पर बड़े होते हैं, जिन मित्रों के साथ खेलते हैं, जिन संस्थाओं में कार्य करते हैं, अगर कभी भी उन पर कठिन घड़ी आती है, उन पर संकट का समय आता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। जबकि होता यह है कि जब भी कभी ऐसे लोगों के ऊपर संकट आता है, चाहे भाई हो, चाहे परिवार हो, चाहे किसी भी संस्था की बात करें, हम सबसे पहले अपने आप को देखकर वहां से निकलने लग जाते हैं। जो कि अगर मानवता के आधार पर देखा जाए तो ये एक सही काम नहीं है, क्योंकि जब ये सब लोग आपके साथ खड़े थे, आपके किसी भी बीमारी में, आपके किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में, आपके किसी भी आर्थिक उपार्जन की स्थिति में, जब ये आपके साथ थे, आपके आपको हर संकट से इन्होंने उबारने में आपका साथ दिया, तो आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसे संकट की घड़ी में आप भी आप इन सब का साथ दो। जय हिंद, जय भारत।